सो हेलो और सब गाइस, यार कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का स्वामी गेमिंग यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लैश क्वाड के टॉप 5 में मतलब कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस। तो गाइस यार, और CS में कैसे कैसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस के साथ खेलना चाहिए, बहुत बंदे यही जानते हैं और उल्टे सीधे कैरेक्टर्स लेके चले जाते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस। एंड गाइज, ये जो मतलब कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैं बताने वाला हूँ ना भाई, सब सच्ची में अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन ही बताऊँगा। मतलब यूँ ही मैंने वीडियो नहीं बनाया, आज सभी को रीजंस भी दूंगा। तो चलो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल में नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को मालूम है गाइज कि यूट्यूब वाले सस्ते गांजा फूकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले अभी अपन बात करेंगे कि जो कैरेक्टर्स यूजलेस है फ्री फायर के अंदर, मतलब CS के अंदर। तो CS के अंदर यूजलेस कैरेक्टर्स में से जो सबसे पहले जो कैरेक्टर रहता है वो है गाइस पलोमा। तो पलोमा की एबिलिटी आप सभी लोग जानते हो गाइस, 180 आरएम ये एक्स्ट्रा कैरी करती है, जो आपके बैग का कोई स्पेस नहीं लेता। लेकिन गाइस CS में आपकी बैकपैक स्पेस अनलिमिटेड होती है, तो इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है गाइस नोटोरा। नोटोरा जो है आपकी टीममेट्स की और आपकी HP रिकवर करती है जब आप ड्राइविंग करते हो। तो CS में तो कोई कार होता ही नहीं है, तो ये भी किसी काम का नहीं है गाइस, ये नोटोरा कैरेक्टर भी। अब आता है गाइस एडम बाबा का फेवरेट कैरेक्टर जो है मीशा। तो ये है गाइस, इसमें ड्राइविंग स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन CS में कोई कार नहीं होता, मैंने अभी बोला। तो ये कैरेक्टर भी गाइस क्लैश क्वाड के लिए पूरी तरीके से यूजलेस है। मतलब ये तीनों कैरेक्टर्स जो है गाइस, इसका कोई काम नहीं है पूरे क्लैश क्वाड मैचेस में। तो गाइस अभी अपन बात करेंगे सबसे पहले जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की। लेकिन गाइस, मैंने ये जो लिस्ट बनाई है वो पूरी की पूरी आलोक के ऊपर बनाई है। तो जो आपके पास आलोक नहीं है तो आप गाइस कमेंट करो नीचे, आप लोगों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिनके पास आलोक नहीं है। तो पहला कॉम्बिनेशन जो है गाइस, वो उन बंदों के लिए है जिनके लेवल 50 के नीचे है। तो गाइस इनका जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, उनको पहला गाइस आपको यूज़ करना है आलोक, फिर आपको यूज़ करना है गाइस कैली, एंड इसके साथ आपको यूज़ करना है गाइस एंड्रू, एंड आखिर में आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ क्ला। तो अब यहाँ पे गाइस क्ला को रिप्लेस कर सकते हो और इसके जगह में आप यूज़ कर सकते हो हयाटो को। गाइस यहाँ पे हयाटो की एबिलिटी आप ले सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके आलोक की गाइस स्पीड प्लस हेल्थ मिलेगी, इसके अलावा कैली की स्पीड मिलेगी, एंड पीछे से कोई मारेगा तो एंड्री की वेस्ट ड्यूरेबिलिटी की वजह से आपको थोड़ा टाइम मिलेगा और एनिमी के वेस्ट पर आप अच्छा खासा डैमेज दे सकते हो हयाटो की यूज़ करके। तो गाइज़ ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग प्लेयर्स के लिए मतलब बिगिनर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है गाइज़, मतलब जिनके लेवल 50 के नीचे हैं। तो गाइज़ अभी आते हैं सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ये गाइज़ थोड़े से स्पीड वाले प्लेयर्स के लिए, जिनका गेम प्ले पूरा का पूरा मूवमेंट स्पीड के ऊपर ही होता है गाइज़। जैसे कि आप जो अगर मेरे तरीके के प्लेयर्स हो जिनका स्पीड ही सब कुछ है गेम के अंदर, तो उनके लिए ये वाली कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। तो गाइज़ अभी चलते हैं सेकेंड नंबर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो गाइस सेकेंड नंबर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आप गाइस आलोक रख सकते हो, एंड इसके साथ आप रखो गाइस कैली, एंड कैली के साथ आप यूज़ कर सकते हो गाइस हयाटो, एंड इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो गाइस जोसेफ। तो गाइस अब यहाँ पे हयाटो को रिप्लेस करके जोटा यूज़ कर सकते हो, यही मेरी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ये चारों मैं यूज़ करता हूँ। तो इससे क्या होता है, आलोक की आपको स्पीड प्लस हेल्थ मिलती है, इसके अलावा कैली का 6% स्पीड, जोसेफ गाइस ये डैमेज लेने पे 20% स्पीड बढ़ जाता है, एंड जोटा आपको गाइस पर किल पे 40 HP देता है अगर आप शॉटगन या फिर SMG अमोके गन से मारते हो। तो गाइस इस क्लैश क्वाड में शॉटगन और SMG अमोके गन ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो जोटा इसीलिए सबसे ज़्यादा काम का है। तो गाइस अभी आते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस के ऊपर। तो गाइस ये जो नेक्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ये उन प्लेयर्स के लिए है गाइस जो मतलब अब क्या अपने टीममेट्स के साथ रैंक पुश कर रहे हैं CS का जो हीरो ये होता है हीरोइक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है ये उनके लिए है जो CS रैंक खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस किल चोरी का पूरा मतलब पंगा होता है गाइस, मतलब आप टीममेट्स आपके किल चोरी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपके टीममेट्स आपके किल चोरी कर लेते हैं, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप ये वाली कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो गाइस। इसमें क्या किल चोरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैं पहले ही बोल देता हूँ गाइस। तो नंबर थ्री कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की ओर चलते हैं, और ये वाली आप टूर्नामेंट में भी यूज़ कर सकते हो गाइस ये वाली कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो गाइस चलो अभी चलते हैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन 3 के ऊपर। तो सबसे पहले आप आलोक यूज़ करिए, फिर उसके साथ आप कैली यूज़ कर सकते हो, एंड उसके साथ आप मोको यूज़ कर सकते हो, एंड इसके साथ में आप हयाटो का भी यूज़ कर सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे अगर आप चाहो तो हयाटो को रिप्लेस करके यहाँ पे आप
जोसेफ का भी यूज़ कर सकते हो अगर इस हयाटो को रिप्लेस करके। तो यहाँ पे क्या हुआ गा कि अगर आप आलोक यूज़ करते हो तो स्पीड प्लस हेल्थ और आलोक की कैली की तो आपको मालूम है। मोको से गाइज आप 5 सेकंड तक एनिमी की लोकेशन पता चलेगी जब आप उसको डैमेज दोगे। तो गाइज इससे क्या इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से किल तो चोरी होंगी लेकिन आप कि गाइज आप रैंक पुश अच्छे से कर पाओगे, गाइज CS की रैंक पुश कर पाओगे। तो गाइज अभी आते अभी ये वाली जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है गाइज ये है टूर्नामेंट खेलने के लिए, मतलब CS में जब टूर्नामेंट खेलता है बंदा तो उनके लिए है, या फिर आप गिल्ड वॉर कर रहे हो कहीं पर भी जाके तो उस वक्त आप ये वाली कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हो गाइज। तो गिल्ड वॉर में बहुत बंदे जाते हैं और हार के आ जाते हैं, तो 4v4 वर्सेस बैटल के लिए ये वाली कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा गाइज अगर आपको 4v4 वर्सेस बैटल की गाइज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो गाइज आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उनके उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सेट करके रखना पड़ेगा बेल आइकन को, इससे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो गाइज अभी चलते हैं अपने नंबर 4 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की ओर। गाइज नंबर 4 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आपको सबसे पहले यूज़ करना है आलोक, एंड इसके साथ आपको यूज़ करना है गाइज कैली, एंड इसके साथ आपको यूज़ करना है गाइज ओलिविया की एबिलिटी, एंड इसके साथ आपको यूज़ करना है गाइज जोसेफ। तो गाइज अभी आपको शायद से बाहर की कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ यार उसको अवॉइड करना। एंड इसके साथ आप जोसेफ को रिप्लेस कर सकते हो गाइज जोटा के साथ। तो इसमें क्या होगा कि आलोक के लिए आपको पता ही है क्या होगा, तो ओलिविया यूज़ करने से आपको गाइज आप जब अपने टीममेट्स को रिवाइव करोगे तो 4v4 में क्या होता है गाइज कि अनलिमिटेड ग्लोअल होता है तो उसको हील करने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ से आप वो अपने आपके टीममेट्स को हील करने का मौका मिल जाए मौका भी मिल जाएगा और प्लस उसको थोड़ा सा HP ज़्यादा मिलेगा गाइज ओलिविया से अगर आप उसको रिवाइव करोगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की ओर। ये वाली गाइज कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो है 1v1 या फिर वर्सेस बैटल के लिए ये वाली कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने तैयार की है। तो गाइज अभी चलते हैं नंबर 5 कॉम्बिनेशन की ओर। तो गाइज नंबर 5 कॉम्बिनेशन में आप गाइज आलोक रख सकते हो अपने साथ में, इसके साथ आप यूज़ करो गाइज कैली, एंड इसके साथ आप यूज़ करो गाइज मोको, एंड इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो हयाटो। तो गाइज अब यहाँ पे हयाटो को आप रिप्लेस करके जोसेफ यूज़ कर सकते हो, जो मैं करता हूँ गाइज 1v1 में, हयाटो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ मैं। तो गाइज ये वाली कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से आपको आलोक और कैली की वजह से स्पीड हेल्थ दोनों ही मिल जाएंगे। इसके अलावा मोको से आप एनिमी का लोकेशन देख पाओगे 5 सेकंड तक डैमेज देने के बाद, एंड डैमेज खाते ही जोसेफ की 20% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है। तो ये वाले में आपको स्पीड भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगा और एनिमी का लोकेशन भी पता चलेगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल में नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर देना। एंड गाइज अगर आपके पास भी कुछ अच्छे कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस हो गाइज तो मेरे को ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ गाइज, इससे क्या होगा मुझको भी कुछ सीखने को मिलेगा कि गाइज कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। तो गाइज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करते जाना, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइज स्टे हैप्पी स्टे कूल, बाय बाय।